Hello dear students, I am Saurabh Kumar Pandey. From past so many years, I am teaching for various UPSC exam, SSC exam and other state exam also. आज हम discuss करना चाहते हैं कि paper को attempt कैसे हम करें. जैसे GS का paper 1 engineering services के लिए उसका pattern कैसा होना चाहिए, कैसे हम effectively paper को solve कर सकते हैं और गलतियां हमारी कम से कम हों, mistakes हम कम करें. देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि देर आर थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में. आपको किसी भी एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चन मिलते हैं. 50% एरिया पेपर में ऐसा बनता है जो सिंपल होगा, 20% एरिया एवरेज होगा और 30% क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे. अगर वो 30% भी टफ आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ओवरऑल पेपर टफ हो गया, पर अगर वो एवरेज हो गया तो फिर पेपर एवरेज हो गया या हम सिंपल कह दें उसको. फर्स्ट 20 मिनट पेपर का हम पेपर को पूरा टर्न कर लें और जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिसपे हमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना है, उनको हमें पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का ही है. तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जो बिल्कुल सिंपल है, जिनमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है हमें. तो कम से कम आप ये देखोगे कि 20 मिनट में अराउंड 18-19 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे. इतना करने के बाद फिर हम पेपर को दोबारा टर्न करें. जो हमारी अपनी अप्रोच है कि 1 by 1 क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ फार्मूला लगाना है, कुछ कंसेप्ट लगाना है, फिर हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे. ये भी क्वेश्चन हमारे बन गए. लास्ट में पेपर में वो क्वेश्चन बचे जो हमें बिल्कुल नहीं आते, हमें कोई आइडिया ही नहीं है, पर अब हम उसको भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं. हमें लग रहा कट ऑफ ऊपर चली जाएगी तो हम और भी अटेम्प्ट करते चले जा रहे हैं. उसकी वजह से होगा क्या, हम निगेटिव ज्यादा कर देंगे. जीएस के पेपर में सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान रखना है वो इस चीज को ध्यान रखना है कि निगेटिव हमें कम से कम करना है. बिगेस्ट ट्रैप इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज निगेटिव मार्किंग. कंपटीशन इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट्स ऑल अबाउट रिजेक्शन. कि अगर 1.5 लाख एस्पिरेंट फॉर्म फिल करते हैं तो सबको तो सिलेक्ट नहीं कर सकते कि 500 या 600 सीट्स अवेलेबल हैं, बाकी लोगों को तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं वो. और रिजेक्शन के लिए सबसे मेन टूल जो है वो निगेटिव मार्किंग है. क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, 80 मार्क्स का हमने ठीक कर लिया, पर हमें लगता है कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी तो हम और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो नहीं आता उसमें तुक्का लगा देते हैं. तो ये सिर्फ निगेटिव चला जाएगा और बाद में हमें पता लगेगा कि 80 मार्क्स भी अच्छा स्कोर था. पेपर करते टाइम तो हमें नहीं पता लग रहा है, पर बाद में पता लगा कि 80 मार्क्स भी अच्छा स्कोर था, पर हमने निगेटिव इतना कर दिया कि 70 के भी नीचे चले गए. तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चनों को हमने ठीक किया उन मार्क्स को प्रोडक्ट करना है और निगेटिव को हमें कम से कम करना है, ताकि जो इफेक्टिव मार्क्स है वो हमारे अच्छे रहें. मैकेनिकल, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप 90-94 के अराउंड स्कोर करते हो तो दैट इज ए गुड स्कोर, ये अच्छा स्कोर है. फिर आपको जीएस प्रॉब्लम नहीं करेगा, फिर आपको टेक्निकल अच्छा करना पड़ेगा. अदर ब्रांचेस में सिविल के लिए अगर आप 84 के आसपास स्कोर करते हैं और ईसी इलेक्ट्रिकल में 76-80, ये करस्पॉन्डिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग ठीक स्कोर है. मैकेनिकल में थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मैकेनिकल से लिंक्ड हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड क्वालिटी, मटेरियल साइंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट मैकेनिकल ओरिएंटेड हैं. तो थोड़ा सा मैकेनिकल को यहाँ पर एज मिल रहा है और ये रीजन भी है कि जीएस में वहाँ एवरेज स्कोर अच्छा हो रहा है. पर बाकी ब्रांच में परेशानी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट आप पढ़ सकते हो, एनवायरनमेंट सबके लिए जैसा है, या मैथ सेफ्टी तो करना ही है, गेट में भी आएगा, ईएस में भी आएगा, इलेक्ट्रिकल का मेन सब्जेक्ट भी है तो वो आप कर सकते हैं. तो और हाँ, एक चीज और, बबल जो हमें फिल करने हैं, बबल फिल करने के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है. बबल फिल करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि एक बार में आप 2 पेज पढ़ सकते हो. आपने पेपर ओपन किया, 2 पेजेस पढ़े, 2 पेजेस में मान लो 20 क्वेश्चन आए, 12 आपने सही करेक्ट कर सॉल्व कर लिए, तो वो 12 आंसर आप एक साथ मार्क कर लो. लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है. कई बार टाइम कम पड़ जाता है कि हम बबल ही फिल नहीं कर पाते, या कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में हम बबल फिल करने लगे, 76 का आंसर बी लगाना था, वो हमने 77 फिल कर दिया. तो ये सब गलतियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेप्टेबल नहीं है. हमको इन क्वेश्चनों को नहीं करना चाहिए, बबल हमें साथ साथ फिल करने हैं.